सो हे गाइस, वेलकम माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हम लोग का ऑलरेडी जो है ट्रेड प्लेस हो चुका है और अभी जो है ट्रेड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने पुट साइड के अंदर ट्रेड प्लेस किया है कुछ इस पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर 3 लॉट के साथ। ओके, और वही ट्रेड अभी चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो अभी मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, अभी अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट हम लोग का टारगेट हिट होने ही वाला था और वहां से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन ले लिया। ओके, तो यहाँ पे होल्ड करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो निफ्टी है और निफ्टी क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे होल्ड करना तो बनता है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और क्यों मैंने यहाँ पे जो है डाउन साइड का ट्रेड वगैरह प्लेस किया तो आप लोगों को मैं वो बता दूंगा, तो वीडियो के अंदर बनाए रहना। ठीक है, चलो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो ट्रेडर, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो है ट्रेड कंप्लीट हो चुका है और आज जो है मैंने 2 ट्रेड लिया है और आज जो है काफी इंटरेस्टिंग चीज हुआ है मार्केट के अंदर, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो अभी अगर आप लोग देखोगे तो अभी मार्केट के अंदर बड़ा फॉल आ रहा है और ये फॉल अभी आएगा, थोड़ा देर और आएगा क्योंकि मार्केट ने कुछ उसी तरीके से डिजाइन हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पे जो है डाउन साइड का व्यू प्रेडिक्ट किया और क्यों मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया, देन मैंने यहाँ पे फिर से एक एंट्री क्यों बनाया। तो चलो मैंने आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आप लोग देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे जो है गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है क्लोजिंग प्राइस के अंदर आया और यहाँ से जो है छोटी छोटी कैंडल बनाने का लगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत बायर को इन्वाइट हो रहा था, ऑब्वियसली बात क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट ने उसका ब्रेक डाउन किया और इसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के अंदर मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो बैंक यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक जो है छोटा सा एक डब्ल्यू पैटर्न का क्रिएशन किया, उसके बाद देन मार्केट ने सडन फॉल कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये है हम लोग का प्रीमियम की चार्ट और आपको पता ही है कि मैं यहाँ पे जो है 70 पॉइंट का मैं यहाँ पे जो है टारगेट लेता हूँ और 70 पॉइंट का टारगेट मार्केट ने यहाँ पे मुझे नहीं दिया, 63 पॉइंट का टारगेट मार्केट ने दिया, उसके बाद मार्केट ने वहां से घूम गया। तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे क्यों घूम गया, इसका पीछे भी एक रीजन है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्विंग है, दिस इज ए स्विंग, आप लोग इसको एज ए सपोर्ट भी कह सकते हो। तो मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट किसको इनवाइट कर रहा है, बायर को इनवाइट कर रहा है। और साथ ही साथ अगर आप लोग निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी उस टाइम जो है क्लोजिंग प्राइस पे आया है, तो उधर बैंक निफ्टी इधर जो है सपोर्ट पे, उधर बैंक निफ्टी सपोर्ट पे बायर को इन्वाइट कर रहा था, इधर निफ्टी क्लोजिंग प्राइस पे बायर को इन्वाइट कर रहा है, तो दोनों इंडेक्स यहाँ पे जो है बायर इन्वाइट कर रहा है। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बायर नहीं आ रहा था, बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे जो है सेलर भी आ रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो बैंक निफ्टी क्या किया, बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना डे लो को तोड़ा, उसके साथ साथ बैंक निफ्टी यहाँ पे जो है अपना जो क्लोजिंग प्राइस है उसका भी ब्रेक डाउन किया। तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिटेस्ट भी हुआ है, तो यहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा, यहाँ पे जो सेलर वगैरह भी एक्टिवेट होगा। तो इधर निफ्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बायर आ रहा था, बैंक निफ्टी के अंदर बायर भी आ रहा था, सेलर भी आ रहा है, तो इधर बैंक निफ्टी किसी ना किसी एक पार्टी को तो निकालेगा। तो बैंक निफ्टी क्या किया, यहाँ से जो है सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ठीक है, मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा था कि चलो हाँ बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मार्केट तो नीचे आ जाएगा, तो मेरे को थोड़ा सा अपना अपना टारगेट मेरे को मिल जाएगा। बट मैंने ये नहीं सोचा कि मार्केट इतना ज्यादा ऊपर चला जाएगा। और अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट यहाँ पे जो है 0.6 से गिरा हुआ है, अगर आपको मैं दिखाऊं, हाँ आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैंने सोचा कि मार्केट छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट देगा, मैं भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है, देन मार्केट ने वापस नीचे आ जाएगा। बट मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा ज्यादा ही पॉजिटिव हो गया, तो अपना जो एसएल था वो यहाँ पे जो है हिट हो चुका था और मैं अपना एसएल भी बुक किया कर लिया था, 1700 के आसपास में अपना एसएल चला गया था। देन मैं मार्केट के अंदर बैठा रहा और देखा कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रहा है कुछ इस पॉइंट के आसपास। तो देन मैंने क्या किया, कुछ इस 10:14 पे मैंने अपना जो है यहाँ पे एंट्री बनाया। ठीक है, और वो जो मैंने एंट्री बनाया, आप लोग देख सकते हो मार्केट जो एकदम रॉकेट हो चुका था, कुछ इस पॉइंट के आसपास मैंने अपना एंट्री बनाया था और मार्केट जो यहाँ पे एकदम रॉकेट हो चुका था और मार्केट के अंदर यहाँ पे जो नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल था और ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफी सारा बायर ऑलरेडी आ चुका था। तो मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे जो लोग सेलिंग कर रहे थे उनको पहले मार्केट ने निकाला, देन मार्केट के अंदर जो भी लोग यहाँ पे बाइंग कर रहा था उनका स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट किया। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि मार्केट किस तरीके से काम करता है और जो मोमेंटम आया हुआ है मार्केट के अंदर वो आप लोग देख ही सकते हो, अनबिलीवेबल मोमेंटम यहाँ पे जो है आया हुआ है। और यहाँ पे जो है पहले हम लोग का 1700 का लॉस था और वो 1700 का लॉस रिकवर तो हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे आप यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट देख सकते हो, 3400 सॉरी
सॉरी 3,700 का मैंने यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक किया है बैंक की निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो ये और हम लोगों ने कितना पॉइंट कैप्चर किया, 121 पॉइंट हम लोगों ने जो है प्रीमियम के अंदर कैप्चर किया, ठीक है। तो आज का दिन काफी बढ़िया था, ठीक है। पहले तो थोड़ा लग रहा था कि हाँ लॉस इससे लीड हो गया क्या होगा, बट कोई नहीं, जब मार्केट ने मौका दिया तो दूसरी बार हम लोगों ने एंटर किया। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई अलग सा हम लोगों ने ट्रेड लिया था, पहले मैंने कुछ इस पॉइंट के आसपास में अपना व्यू जो है बना लिया था कि मेरे को यहाँ पे जो पुट साइड के अंदर जाना है, बट मार्केट के अंदर थोड़ा सा वॉलिटिलिटी के कारण मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, बट एक्चुअल जो डायरेक्शन हम लोगों ने पकड़ा था वो काफी सही था और मार्केट ने नीचे गया हुआ है। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।